व्हाट्स अप गाइस, मैंने सतीश एंड वेलकम टू द गेम इनफिनिट्स। तो गाइस, आपने वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देख लिया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपनी मूवमेंट स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो। गाइस, आपका मूवमेंट नाम लेते ही सिर्फ एक ही बंदे का नाम याद आता है, वो है गाइस आपका RAISTAR'S। तो इंडिया का सबसे फास्टेस्ट प्लेयर जो कि गाइस अपना RAISTAR'S है। तो गाइस, आप उसकी तरह अपनी जो है मूवमेंट स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, आप बैकग्राउंड में गेम प्ले देख सकते हैं। गाइस, आप कुछ इस तरह के अपने जो मूवमेंट स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो गाइस, आपको मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ कि जिससे आप अपना जो है अपने गेम प्ले सुधार सकते हैं, थोड़ा मूवमेंट फास्ट हो जाएगा। एंड गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक प्लेयर के लिए जो गाइस अभी शुरू से अभी स्टार्ट किया है उस। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो एंड गाइस आप मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो गाइस अगर आपको मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगता है प्लीज लाइक जरूर करके जाना। एंड गाइस, एक और बात, अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो, तो गाइस आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर दो। साइड में जो बेल आइकन आ रहा है उसको ऑल पे सेट कर दो ताकि मेरी जो हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड गाइस, हम बात करते हैं अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स की, तो चलते हैं। तो आते का सबसे पहले फर्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ जो बात करते हैं, कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की तरफ। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं आपको, यहाँ पर मैंने ले रखा है क्रोनो कैरेक्टर। तो गाइस, आपको पता होगा कि क्रोनो कैरेक्टर की एबिलिटी क्या है। फर्स्ट ये क्या है कि आप एक शील्ड बनाता है। सेकेंड है इसकी गाइस, आपको यहाँ पर 30+15 करीबन आपको ये 45 की आपको यहाँ मूवमेंट स्पीड देता है। गाइस, यहाँ पर मूवमेंट इंक्रीज करता है। तो देख सकते हैं गाइस, फर्स्ट तो गाइस आपकी मूवमेंट स्पीड यहीं से हो जाएगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट यहाँ पर कर लिया। अब सेकंड बात करें, सेकंड कौन सी यूज करें हम कैरेक्टर इसके लिए, तो गाइस हम बात करते हैं अपने कैली की, जो कि आपको स्प्रिंटिंग में आपको 6% मूवमेंट स्पीड देती है। गाइस, समझ रखे हो ना, 45 उसकी, 6% इसकी, टोटल होगी 51, यानी 50 लगभग 50 के आसपास हो गई आपको, 50% आपको एबिलिटी मिल रही है यार, थोड़ी मूवमेंट स्पीड मिल रखी है। तो गाइस, दो आपको मैंने यहाँ पर कैरेक्टर स्किल बता दी। अब बात करते हैं थर्ड कैरेक्टर स्किल की। तो गाइस, वो आता है गाइस अपना यहाँ पर अपने जोसेफ अंकल जी। तो गाइस, बात करें जोसेफ की, वो आपकी कैरेक्टर स्किल क्या है, अगर कोई बंदा आपको डैमेज देगा, मान लो आपको एक गोली भी पड़ी ना, आपका 20% मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगा। गाइस, आपको बताऊँ स्प्रिंटिंग प्लस मूवमेंट स्पीड टोटल कितना हुआ आप लगाएं, तो आपके यहाँ पर क्रोनो की 45 हो गई, यहाँ पर आपकी 6 आपकी यहाँ पर जो है केली की हो गई, 7 और जो बात करें 20 उसकी हो गई आपकी जोसेफ की, टोटल आपको करीबन 70 या 71 की आपकी आसपास होती है। तो यार देख सकते हो कितनी खतरनाक आपकी जो है मूवमेंट स्पीड होने वाली है इधर। तो ये दो आपको मैंने यहाँ पर बता दी। और फोर्थ नंबर में आप कोई भी आप एडजस्ट कर सकते हो, लाइक आप यहाँ पर अपने जो है मोको लगा सकते हो, लोरा करेक्टर लगा सकते हो, जिससे आपकी एक्यूरेंसी बढ़ जाएगी। मोको से आपको ये है कि आपको बंदों की लोकेशन दिखती रहेगी कि बंदा किधर, आप थोड़ा सा उसको डैमेज देते हो तो उधर आपको थोड़ा दिखता रहेगा। फर्स्ट जो लास्ट स्लॉट बचेगा उसमें आप अपने मन से जो है आप कोई भी करेक्टर जो एबिलिटी लगा सकते हैं। तो योग जो मैंने आपको बताया ये आपको यहाँ पर क्रोनो कैरेक्टर के ऊपर। अब बात करते हैं आप, अगर आपके पास क्रोनो कैरेक्टर नहीं हो तो आप कौन सी जो है यूज कर सकते हो। गाइस, यहाँ पर गाइस देख सकते हैं मैंने आलोक कैरेक्टर लिया हो, जो कि गाइस आप देख सकते हैं मेरे को 15% मेरे को यहाँ पर मिलने वाली मूवमेंट स्पीड। ये उन बंदों के लिए जिनके पास जो गाइस मतलब क्रोनो कैरेक्टर नहीं है, तो आप आलोक यूज कर सकते हो। अगर आपके पास आलोक नहीं है तो गाइस आप नीचे जो कैरेक्टर आपको मैंने देख बता रखे, जैसे लाइक आपको यहाँ पर आपको जो हुआ केली हुआ जोसेफ हुआ, उन दोनों कैरेक्टर आप परमानेंट लगा के रखो ही रखो, क्योंकि इनसे आपकी मूवमेंट स्पीड एकदम ऐसे होने वाली, बिल्कुल फास्ट होने वाली है। टोटली बात करें तो गाइस आपको 15% आलोक में आपको मूवमेंट स्पीड मिलती है, 20% आपको यहाँ पर मिलती है जो है आपको जोसेफ में, और 6% मिलती है आपकी केली में। टोटल लगा के बोले तो यहाँ पर गाइस आपको 46 के अराउंड आपको जो है मूवमेंट स्पीड आपको देखने को मिल जाती है आलोक करेक्टर लगाने की तरफ। एंड गाइस यहीं आपको जोसेफ सॉरी आप यहाँ बात करें क्रोनो करेक्टर आपको 71 तक आपको मिल जाती है मूवमेंट स्पीड। ये तो हुआ करेक्टर स्किल्स का। अब बात करते हैं आप कस्टम हुड को आपको यहाँ पर, तो बात करें गाइस यहाँ पर अपने कस्टम हुड की, तो कस्टम हुड आप यहाँ देख सकते सेंसिटिविटी बात करें तो यहां पर मैंने सेंसिटिविटी में जर्नल को यहां पर अपने को 100 कर रखा है। तो गाइस आपको एक चीज आपको मेन बता दूं, अब जब आप जर्नल को अपना 100 रखोगे ना तभी आपकी मूवमेंट दिखेगी, नहीं तो गाइस आपका जो करेक्टर ना खड़ा का खड़ा रहेगा, इधर से उधर देख भी नहीं पाएगा। तो अपने जो है जर्नल को आप 100 रखो, रेड डॉट वो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो, 2 स्कोप 4 स्कोप एंड AWM आपको यहां बात करें तो गाइस आपको यहां पर 80 के आप आसपास रख सकते हो। तो चलते हैं अपने कस्टम हुड की तरफ। कस्टम हुड में सबसे मेन होता वो है गाइस आपकी स्प्रिंट वाली बटन। अगर आप स्प्रिंट के बटन को बड़ा नहीं करके रखोगे तब तक आपकी मूवमेंट स्पीड नहीं देखने वाली, क्योंकि गाइस बहुत बंदे होते हैं उनका जो है मूवमेंट वाली बटन होती है बिल्कुल एकदम गाइस जो छोटी होती है, स्प्रिंट की बटन छोटी होती है, उससे क्या होता है सामने वाला बंदा आपको मारता है। अब अगर स्प्रिंट की बटन टैप कर दो आपका इधर उधर टैप हो जाता है और गाइस आपका जो है करेक्ट सामने वाला एनिमी आपको मार के चलाता है, तब तक गाइस आपका जो है आपकी स्प्रिंट की बटन बढ़ ही नहीं रहेगी। लाइक देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्प्रिंट की बटन करीबन यहाँ पर गाइस 80
से 85 के बीच में रख रखा है। लाइक मैंने बंदा मेरे को कोई मारने का ट्राई करेगा, मैं स्प्रिंट के बटन जल्दी टैप कर दूँ क्योंकि इतनी बड़ी हो रखी है ना, जब जल्दी से मैं टैप करूँगा वहाँ से मैं मूवमेंट दिखा के तुरंत निकल जाऊँगा। तो गाइस आते गाइस हम लास्ट टिप्स की तरफ, बहुत ही गाइस अभी प्रैक्टिस, ठीक है। तो गाइस आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ ऐसे एरिया देख लेना जहां एनिमी कम आ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक घर बता दूं, ब्लैक घर अंदर निकल मिल जाएंगे आपको, क्लासिक बर्मुडा के अंदर आप क्लासिक में प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, बस विंडो के आर पार जानते रहना है। लाइक आपको जल्दी से फास्ट मूवमेंट इससे हो गया होगा गाइस, इससे आपकी थोड़ी सी मूवमेंट फास्ट होगी, ठीक है। आपको ऐसा प्रैक्टिस करते रहना है, आप यहां पर प्रैक्टिस कर सकते हो। अब नहीं तो गाइस आपको कैप टाउन के अंदर बहुत सारे आपको यहां पर गाइस कंपाउंड्स होते हैं, वहां पर आप बैठ जाना ऊपर, ठीक है। तो गाइस बहुत ही इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं बताऊंगा वो करना।